पूछते हैं कि ये क्या जेनेटिक है, खानदानी है, किसी को अगर खानदान में तभी हो सकता है। ब्रॉडली नो। तो ये मान के जाइएगा, ऐसा नहीं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस किसी को हुआ तो वो जेनेटिक ही है, खानदानी है, नहीं। परंतु ऐसा है कि अगर किसी को घर पे किसी को है, जैसे माँ बाप को किसी को है, तो बच्चों में होने की संभावना थोड़ा सा ज्यादा है। और अगर मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक ट्विन्स बोलते हैं, ट्विन्स आप समझ सकते हैं, ट्विन्स में ये प्रोपेंसिटी ज्यादा होता है। तो जेनेटिक कॉम्पोनेंट है बट इट इज वेरी मिनिमलिस्टिक। सो ये नहीं लेके जाना कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस मीन्स इट इज ओनली अ हेरिडिटरी डिजीज, वो नहीं है। बट किसी को हुआ तो उनके खानदान में और उनकी फैमिली में, दोबारा होने की वेरी क्लोज फैमिली मेंबर्स में थोड़ा सा प्रोपेंसिटी ज़्यादा होता है। ये सबसे ज़्यादा ट्विन्स में होती है। सेकेंड इज, क्या सारे एजेस में होते हैं? हमने बात किया यंग एज में होते हैं, यंग प्रोडक्टिव एज में होते हैं, बट क्या चिल्ड्रन में होते हैं? यस, चाइल्डहुड मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज नोन बट इट इज रेयर। क्या ये बुजुर्ग लोग में होते हैं? वेल, इट इज वेरी रेयर। तो यस, 50 ईयर्स के बाद भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस देखा गया है, बट ये आउटलायर्स है। तो ज्यादा तक यू हैव इट इन दिस यंग अडल्ट पॉपुलेशन। चाइल्डहुड एमएस इज नोन, एल्डरली एमएस इज नोन, बट दे आर मच रेयरर। ओके, सो दैट वी हैव कवर्ड विच एज एंड ऑल्सो द हेरिडिटरी एस्पेक्ट्स ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस।